Hello students, you are most welcome in your own class. As you know that this is your English period, and in English we are going to read a new chapter, that is kites. You can guess here with the picture. The chapter name is kites, and in this chapter we will read about kites. Through this chapter, we will know from where the kites brought to India and who were the first to fly kites. To know all these answers, we have to read the chapter. So, watch the video very attentively. Okay. This is your chapter number 11, kites. Let's read it. A kite is carried up by the wind. Tugging at the string, it pulls up birds, tipping and swaying. The string unwinds, the kite climbs higher and higher into the blue. Its colorful shape looks beautiful against the sky. Flying a kite is a fun way to spend a bright day. You know, students, a kite is carried up by the wind. Okay? Kite किसके बहाव में उड़ती है? हवा के. Okay? Tugging at the string. Here, the meaning of tugging is pulling something hard and repeatedly. Means किसी को खींच बार बार खींचना और बहुत ज़्यादा hardly उसको पकड़ना. Okay? तो पतंग को हम किससे? उसका जो स्ट्रिक होता है उससे पकड़ते हैं, उससे बंधा रहता है और उसको बार बार हम खींचते हैं. इट पुल्स अपवर्ड्स. अपवर्ड्स मीन्स ऊपर की ओर. डिपिंग गोइंग डाउनवर्ड्स. डिपिंग एंड स्विंग. स्विंग मीन्स मूविंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. ओके. तो जब काइट उड़ती है तब क्या होता है? हम लोग बार बार उस स्ट्रिंग को पुल करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड की ओर, और धीरे धीरे साइड बाई साइड मूव करती जाती है. द स्ट्रिंग अनबेंड. अनडू समथिंग दैट हैज़ बीन रैप्ड. यू नो दैट व्हेन वी फ्लाई अ काइट, बी व्हाट वी डू, बी अनडू द स्ट्रिंग. हम क्या करते हैं? अनबिंड करते रहते हैं, उसको छोड़ते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे ही काइट ऊपर बढ़ती जाती है और हम उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते हैं. द काइट क्लाइम्स हायर एंड हायर. और इस तरह से अगर हम उस स्ट्रिंग को अपनी तरफ बिल्कुल उसको छोड़ेंगे नहीं, ढीला नहीं करेंगे, उसके लिए लूज़ नहीं करेंगे, और उसको जो उसकी रील होती है उससे हम उसको अनविंड नहीं करेंगे, तो क्या काइट ऊपर पहुंच जाएगी? नहीं, काइट ऊपर नहीं पहुंचेगी. हमें क्या करना होता है? जो थ्रेड होता है उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ता है, और इस तरह से काइट हमारी हायर एंड हायर इनटू द ब्लू स्काई पहुंच जाती है. नाउ इट्स कलरफुल शेप लुक्स ब्यूटिफुल अगेंस्ट द स्काई. इसका कलरफुल शेप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है अगेंस्ट द स्काई, आसमान के आसमान में. फ्लाइंग अ काइट इज़ अ फन वे टू स्पेंड अ ब्राइट डे. यू नो दैट फ्लाइंग अ काइट एक बहुत अच्छा तरीका है एक अच्छे दिन को स्पेंड करने के लिए. पीपल स्टार्टेड फ्लाइंग काइट्स ओवर 2000 ईयर्स अगो. How many years ago people started flying kites? 2000 years ago people started flying kites. The Chinese were the first to fly the kites. I told you that who were the first to fly the kites? Chinese were the first. Okay? सबसे पहले चाइनीज थे जो कि kites को उड़ाते थे. Several centuries ago Chinese travelers brought kite to India. और कुछ centuries पहले Chinese travelers थे वो kite को India में लेकर आए थे. And now flying kites is a favorite pastime for both children and adults. और अब पतंग उड़ाना एक बहुत अच्छा pastime बन गया लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से और फन वे में उड़ाते हैं. आई होप दैट यू ऑल्सो लाइक टू फ्लाई काइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. प्रीवियसली काइट्स वर यूज्ड फॉर स्पाइंग इन वॉरफेयर. एरोप्लेन्स वर नॉट कॉमन इन दोज डेज.
पहले क्या होता था, काइट्स यूज़ की जाती थी स्पाइंग इन वारफेयर एंड एरोप्लेन्स वर नॉट कॉमन इन दोज डेज, और जो एरोप्लेन्स थे उन दिनों इतने ज़्यादा कॉमन नहीं थे। काइट्स विद कैमरास टाइड टू देम वर सेंट हाई इन द एयर टू टेक पिक्चर्स। पतंगों में क्या होता था, कैमरे लगा दिए जाते थे जिससे कि वो ऊपर जाकर पिक्चर्स ले सकें। द एरियल फोटोग्राफ्स वुड हेल्प सोल्जर्स फाइंड आउट वेयर द एनिमी फोर्सेस वर हाइडिंग। और ये जो एरियल फोटोग्राफ्स होते थे, हवा में लिए गए फोटोग्राफ्स, ओके, ये फोटोग्राफ्स जो आर्मी के सोल्जर्स होते थे उनको हेल्प करते थे कि कहाँ पे आर्मी जो फोर्सेस हैं जो कि उनके एनिमी हैं वो कहाँ छिपे हुए हैं। सम आर्मीज यूज्ड काइट्स एज टारगेट्स फॉर शूटिंग प्रैक्टिस, और कुछ आर्मीज इसको यूज़ करती थी एज अ टारगेट फॉर शूटिंग प्रैक्टिस। साइंटिस्ट हैव यूज्ड काइट्स टू कैरी इंस्ट्रूमेंट्स हाई इनटू द क्लाउड्स। साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक थे वो काइट्स को यूज़ करते थे अपने इंस्ट्रूमेंट को हवा में या फिर बादलों में भेजने के लिए। दीज इंस्ट्रूमेंट्स वुड मीजर रिकॉर्ड टेम्परेचर एंड विंड स्पीड, और ये इंस्ट्रूमेंट क्या करते थे, मीजर करते थे रिकॉर्ड करते थे टेम्परेचर और विंड की स्पीड। समटाइम्स द काइट्स कुडंट फ्लाई हाई, कभी कभी काइट्स बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं पहुँच पाती थी, इसलिए व्हेन दिस हैपेंड जब ये होता था तब लोग क्या करते थे, मैनी काइट्स वर टाइड टुगेदर, बहुत सारी काइट्स एज अ लाइक अ ट्रेन साथ एक साथ बांध दी जाती थी। द फर्स्ट काइट वॉज सेंट एज हाई एज इट कुड सेल, पहली काइट जितनी ऊपर जा सकती थी उतनी ऊपर तक भेज देते थे, उसके बाद उसमें सेकेंड काइट की जो स्ट्रिंग थी वो टाइट कर देते थे। आफ्टर दैट अगर ज़रूरत होती थी तो थर्ड काइट, उसके बाद फोर्थ काइट और फिफ्थ और सिक्स बांध सकते थे। अ थर्ड और इवन फोर्थ काइट कुड बी एडेड टू द ट्रेन, इस ट्रेन में ऐड कर देते थे। द अमेरिकन इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन वंस कंडक्टेड अ फेमस एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ काइट। स्टूडेंट्स, there was a American inventor named Benjamin Franklin. Once he conducted a famous experiment, and in this experiment he is using a kite. Franklin wanted to show that lightning was a form of electricity. What did Franklin want to show? He wanted to show that lightning was a form of electricity. जो आकाश में बिजली चमकती है, it is a form of electricity. He wanted to prove it. He thought that he could prove it. उन्होंने सोचा कि वह इसे प्रूव कर सकते हैं। If he sent a kite to catch the current from lightning flashes, अगर वो एक पतंग को भेजते हैं करंट को कैच करने के लिए, फ्रॉम द लाइटनिंग फ्लैशेस, जो फ्लैशेस होती हैं उससे। फ्रैंकलिन्स काइट वॉज मेड ऑफ लाइट स्टिक एंड सिल्क फैब्रिक। फ्रैंकलिन की काइट किससे बनी हुई थी, लाइट स्टिक से और सिल्क फैब्रिक से। एंड आयरन वायर वॉज अटैच टू इट्स फ्रेम, और एक आयरन वायर उन्होंने इसके फ्रेम में क्या किया, अटैच कर दिया। एट द एंड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द काइट ही टाइड अ ब्रास की, और लास्ट में उन्होंने जो लॉन्ग स्ट्रिंग था उसके लास्ट में उन्होंने एक ब्राइट ब्रास की को ऐड किया। देन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ही टाइड अ सिल्क रिबॉन, और उसके बाद उन्होंने एक सिल्क रिबॉन को ऐड किया। ही वुड होल्ड वाइल द काइट फ्लू, ताकि जब वो पतंग उड़ाएँ और उस जो रिबॉन है उसको वो पकड़ सकें। ही न्यू सिल्क वुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, वो जानते थे कि सिल्क बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट या फिर कैच नहीं करेगा। एंड होप्ड इट वुड कीप हिम सेफ, और उन्होंने सोचा कि ये इसको सेफ रखेगा। लुक एट दिस, ही हैज टाइड अ रिबॉन at the end of the long string and he thought
that the silk would not conduct electricity well, and he hoped that it would keep him safe. That's why he tied this ribbon.